सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है? तो यस, दिस इज ट्रू। ऑल द इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि रियल नंबर्स क्या होते हैं असल में, ये कलेक्शन होता है रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे ही रियल नंबर्स होते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर रूट एम इज नेचुरल नंबर। कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट जो होता है वो रूट एम की फॉर्म में होता है, तो ये बात फॉल्स है। एग्जाम्पल, बिटवीन रूट टू और रूट थ्री देयर आर इन्फाइनेटली मैनी नंबर्स एंड दीज कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म रूट एम। तो रूट टू और रूट थ्री के बीच में इन्फाइनेटली मैनी नंबर्स हैं जिन्हें हम रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे एम नेचुरल नंबर है। एक और रीज़न भी है, जैसे कि हम जानते हैं नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और कोई भी नेगेटिव नंबर कभी भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर हम यहाँ पे रूट टू लिख देते हैं तो कोई भी नेगेटिव नंबर अगर हम देखें तो वो कभी भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है एक नेचुरल नंबर का। तो हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट जो है वो रूट एम की फॉर्म में नहीं हो सकता, जहां पे एम जो है वो एक नेचुरल नंबर है। कह सकते हैं कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर नहीं होता। थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है? तो रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, पहले तो होते हैं रेशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? नहीं, हर रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर होता है। तो ये बात फॉल्स है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, बिकॉज ऑल द रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज अ रेशनल नंबर। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट रेशनल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रूट फोर देखें तो उसका है 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से हम देख सकते हैं √16, तो √16 हो जाएगा 4, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं, उनमें रेशनल भी होते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं √5 की वैल्यू होगी 2.236 लगभग। तो ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक लाइन बनाएंगे और उसमें नंबरिंग कर देंगे 0, 1 सेंटीमीटर पे 1, 2, 3, 4 सो ऑन। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर की एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, या आपको नाप की खींचनी है स्केल से, मैंने ऐसे ही खींच दी है। तो अगर हम 0 से इसको मिला दें तो ये जो राइट ट्राइंगल बन रहा है इसका हाइपोटेनियस जो होगा वो √5 होगा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम की एक वीडियो मैं डाल दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है बेस, इसकी लेंथ 2 है और परपेंडिकुलर की लेंथ 1 है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो
टू का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू √5। तो हमारा ये जो हाइपोटेनियस आया है ये √5 है, बट हमें तो इसे नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम डिवाइडर की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ उसमें भरेंगे ऐसे करके, और उसके बाद एक आर्क हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये है √5, दैट इज 2.236। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर।